ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरपाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली की 5 वार्डों में उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से एक वार्ड है वार्ड नंबर 32। आपको यह भी पता है कि आज प्रचार का आखिरी दिन है और सभी पार्टियां इस दिन को सबसे महत्वपूर्ण मान के अपनी पदयात्रा निकाल रही है। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 32 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता मौजूद है और दिग्गज नेता भी प्रत्याशी के साथ मौजूद है। हाँ जी, हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। किस कारण से? कांग्रेस के काम के कारण। कांग्रेस ने पहले काम किए हैं और इसी कारण हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, आप एक युवा हो, कांग्रेस पार्टी में आए, नारे लगा रहे, तो क्या लगता है क्या कारण है कांग्रेस पार्टी का? जी ऐसे हैं, ये देखो जो ये कर्मचारी पहले भी काम किया है और काम इनका नारा है काम का है तो काम करेंगे, जन जनता का सम्मान करेंगे। पहले इस ब्लॉकों में लाइट नहीं थी, पाइपों के गंदे नाले थे, इन्होंने आके रोड बनवाए, इन्होंने काम करवाए। भैया झुग्गी झोपड़ी वालों के बोला काम कराया, ये काम कराएंगे। अच्छा, इसलिए कांग्रेस? हाँ जी, हाँ जी। शाबा टेर में क्या क्या काम करवाए इन्होंने? 10 साल पहले भी नगम पार्षद रही है और इन्होंने बहुत सारे काम कराए, ठीक है। और अभी जो केजरीवाल जी का ये जो खड़े हुए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं करा शाबाद में। जो भी लोगों को बसाए, यहाँ पे मकान दिए, झुग्गियाँ दी, ये कांग्रेस राजनीति के टाइम में दी हुई है। और मेमती वर्माला जी ने पिछले अपने 10 टाइम में 10 साल के वक्त में बहुत सारे काम कराए, अनगिनत काम कराए हैं। आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, सभी कार्यकर्ता जो पार्टी के थे, दिग्गज नेता सहित सभी मौजूद रहे और सलम एरिया के जो स्थानीय निवासी है वो भी इस पदयात्रा में मौजूद थे और सभी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए बहुत काम करवाया, इसलिए हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी 3 तारीख को क्या नतीजा आता है और यहाँ का निगम पार्षद कौन बनता है। कैमरा में योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर